फोरआर्म्स हर जगह आप लोग फोरआर्म्स ही करते रहते हैं, तो फिर उसके लिए एक फैक्ट वीडियो तो बनता ही था। तो चलो लेकर आ गया हूँ मैं फोरआर्म्स के ऊपर एक फैक्ट वीडियो। तो फिर फोरआर्म्स के कुछ अमेजिंग एंड ऑसम फैक्ट्स मैं आज के आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ बिना किसी देरी के। तो फिर लेट्स स्टार्ट, पहले इंट्रो देख लीजिए। तो फिर एक सेकेंड, पहले ये बताओ कि कभी मुझे बोलने का मौका दोगे कि नहीं? मैं भी तो कुछ बोलूं। हमेशा ये तो बोलते तो हूँ मुझे वाले पिकाचू भैया, अब मुझे भी बोलने दो। नहीं मैं बोलूंगा, बोलता हूँ। फिर किसी भी तरीके से ड्रेस पिकाचू भाई को भैया को कहीं लेकर चला गया। तो फिर अब बता देता हूँ पैराफैक्ट। तो पैराफैक्ट है कि आपको पता है कि फोरआर्म्स प्रोफेशनल रेसलर जैसा है, पता ही होगा। दूसरा फैक्ट क्या आप लोगों को पता है कि ये फोरआर्म्स के फोरआर्म्स ऐसा पहला एलियन था जिसके चार हाथ थे? चलो ये भी पता होगा। क्या आपको पता है कि बेंटन के ये पूरी मतलब पूरी ओरिजिनल सीरीज में फोरआर्म्स के पास ही चार हाथ थे? नेक्स्ट फैक्ट, क्या आप सबको पता है कि फोरआर्म्स एक ऐसा एलियन जो कि जिसको एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज जैसी सीरीज में भी कपड़े पहनाए गए थे? और क्या आप सब लोगों को पता है कि फोरआर्म्स भले ही हीट ब्लास्ट पहले दिखाया गया होगा, लेकिन फोरआर्म्स एक ऐसा पहला एलियन था जिससे बेंटन के क्रिएटर्स ने सबसे पहले डिज़ाइन किया था, और ये कई सारे लोगों का फेवरेट भी है। हाँ तो फिर फैंस का तो ये फेवरेट ही है, लेकिन क्या आप सब लोगों को पता है कि कई सारे बेंटन के क्रिएटर्स का भी ये फेवरेट है? से कम एंडिंग में तो बोल के रहूँगा, वैसे तो पूरी वीडियो में बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो में सुनते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर बाय बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।